बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ हाफिज़ असिम खुर्शीद। आई एम प्रोफेशनली अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आई एम बेसिकली मैनेजिंग पार्टनर ऑफ हाफिज़ असिम एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ड्यूरिंग माई पास्ट 10 to 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन ऑडिट एंड फाइनेंशियल सेक्टर, आई हैव बीन वर्किंग विद डेलॉइट, डेलॉइट पाकिस्तान, देन डेलॉइट कतर, देन डेलॉइट दुबई। सो आई हैव वास्ट एक्सपीरियंस इन दीज फील्ड्स। एमनेस्टी स्कीम एक आपके पास ऑप्शन मौजूद है कि आप अपनी जितनी भी अनडॉक्यूमेंटेड वेल्थ है, जो कि बेसिकली आप अपना शो कर सकते हैं, ना यूज़ कर सकते हैं, ना यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको आप फाइनली अपनी बुक्स में लेकर आएं, इन्वेस्ट करें और उससे आप जॉब क्रिएट करें, और उसके बाद जो है आप पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर अपना पार्ट प्ले करें। यह कैसे होगा? जब आप FBR से अप्रूव्ड प्रोजेक्ट वेस्टर्न मॉल के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपकी हर चीज FBR, विंस्टन मॉल की हर चीज को FBR मॉनिटर कर रहा है, SECP मॉनिटर कर रहा है। यह सबसे बड़ी अश्योरेंस है कि आपकी इन्वेस्टमेंट वाइल्ड तो होगी ही, लेकिन उसके बावजूद वो सेफ भी रहेगी, सिक्योर भी रहेगी और ग्रो भी करेगी। सो ये एक बेस्ट चीज़ है, क्योंकि ये बिल्डिंग इस्लामाबाद के अंदर थर्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग बनने जा रही है। एक डेडलाइन है सितंबर 23, जिसके अंदर इसने कंप्लीट होना है, विच मींस प्रोबेबली ये इकलौता प्रोजेक्ट हो जिसके अंदर आपको पोजेशन गारंटीड है, लेट नहीं होगी, ऑन टाइम मिलेगी। सो ये वो इंसेंटिव है जिसके लिए मेरे ख्याल से इससे बेहतर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो नहीं सकती। मैं बीइंग अ टैक्स कंसल्टेंट, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम चूजिंग दिस प्रोजेक्ट टू इन्वेस्ट इन इट। बीइंग अ टैक्स कंसल्टेंट, हमें बहुत ज़्यादा इश्यूज आए हैं कि लोगों की वेल्थ अंडरस्टेट हुई हुई है उनकी गलतियों की वजह से और नॉन सीरियसनेस की वजह से। नाउ दे आर ट्रैप्ड, दे हैव मनी जो उनके घरों में पड़ा हुआ है और वो अब यूजलेस है, बिकॉज वो उसको यूज नहीं कर सकते। जैसे ही वो यूज के लिए जाएंगे, उनको उसके ऊपर 25% पेनल्टी देना पड़ेगी, बिकॉज दैट इज अनडिक्लेयर्ड मनी। गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा, शायद इसी वजह से गवर्नमेंट ने ये ऑप्शन दिया है, बिकॉज उनको पता है कि पीपल हैव मेड मिस्टेक्स इन देयर रिटर्न्स। उनकी ट्राई है कि लोग इस पैसे को अब पाकिस्तान की इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए यूज कर लें, इसलिए उन लोगों ने जो ऑप्शन दिया है कि वो लोग ऐसे हाई राइज प्रोजेक्ट्स, ऐसे बिल्डिंग्स क्रिएट करें जिससे जॉब्स क्रिएट हो और मार्केट ग्रो करें। इसलिए मेरी बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि आप लोग इस टाइम अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स एट द टाइम ऑफ इनकी इनकॉर्पोरेशन के टाइम के ऊपर FBR ने इन्हें रिव्यू किया, इनके ऊपर SECP ने रिव्यू किया, और उसके बाद एक डेडलाइन भी दी गई जो कि सितंबर 2023 है, जिसके अंदर आपको ये पता है कि एक प्रोजेक्ट ने अपने पाया तकमील को पहुंचना है, विच मीन्स कि डिलीवरी पोजेशन ऑन टाइम होगी। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, सारी लैंड स्कीम्स बिक जाती हैं, पीछे लैंड तक नहीं होता और बहुत बड़े स्कैम्स बनते हैं। दीज आर द प्रोजेक्ट्स जहाँ पे लैंड का कोई इशू नहीं है, जहाँ पे पोजेशन का कोई इशू नहीं है, आपकी सेफ इन्वेस्टमेंट है और जो कि ग्रो करेगी। लास्टली FBR के इशू से बचने के लिए, 25% ऑफ टैक्सेशन से बचने के लिए, अपनी वेल्थ को डिक्लेयर करने के लिए, उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए प्रॉबली दिस इज द ओनली ऑप्शन, बिकॉज दिस इज द थर्ड स्कीम। दो स्कीम्स फेल हो चुकी हुई हैं, दो स्कीम्स के ऊपर रिटर्न नहीं आया, दिस इज द थर्ड स्कीम, ओनली वायबल स्कीम जो कि इस टाइम इन एक्शन है, और इसके ऊपर इतनी ज्यादा कड़ी नजर है FBR की और SECP की कि विंस्टन मॉल एंड रेजिडेंशिया इज बेसिकली द फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ इस्लामाबाद विच हैज ऑब्टेन द स्टेटस ऑफ एन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट। सो आपके लिए सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है, आपने किसी ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है जो कि FBR अप्रूव्ड हो, अनअप्रूव्ड में नहीं। एंड दिस इज वन ऑफ द प्रोजेक्ट, बेसिकली द फर्स्ट प्रोजेक्ट विच इज FBR अप्रूव्ड। थैंक यू।